नमस्कार, अभी अपने साथ में श्रीमान जिसान जी हैं और यह हमारे पास बॉम्बे से आए हुए हैं। मात्र 22 साल की उम्र है, ये बेहतरीन व्यक्ति हैं, क्रिकेट के टॉप एक्सपर्ट हैं, बेहतरीन क्रिकेटर। और क्या पता भगवान ने चाहिए तो नेशनल टीम में भी आ जाए, ऐसा तो है ही। और अभी स्टूडेंट हैं, साथ में क्रिकेट के प्लेयर हैं और मात्र 22 साल उम्र है और इनको L4-L5 में डिस्क डिजनरेशन है, साथ में ब्रॉड बेस्ड पोस्टीरियर डिस्क बल्ज है, ठीक है। और राइट पैर में साइकिल पहने, आज दूसरी सिटिंग है, कैसे आज आप आराम रिलीफ है पक्का? तो बताइए, भारतवासियों को बताइए, अभी होली खेल के उठे वाले मुझे पहले से बहुत आराम है, बेटर लग रहा है, बेटर लग रहा। तो हम इनकी बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे, इनको ऐसी कोई टाइप ऑफ डिजीज नहीं है, तो वैसे ठीक है। हाँ जी सर जी, लाइए गुरुदेव, पैर सीधे, पूरी बॉडी रिलैक्स एकदम, बस अपोजिट हो गया काम आपका, जबरदस्त। खट्टा बिल्कुल नहीं खाएंगे, मखाने खाएंगे, ठीक है, और दूध में हम ये हल्दी मिला के पियेंगे और इसके अलावा मशरूम खाएंगे, बस परफेक्ट, बेहतरीन हो गया आप, अभी आप तो परफेक्ट गए काम से, दर्द नहीं बचेगा, सीधे 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 सीधे, बस मिठाई का इंतजाम कर लीजिए हमारे लिए आप। अब जी बिल्कुल, सभी व्यक्ति इसको फिट्स पड़ती है, एपिलेप्सी पड़ती है और वो ड्रिंक पिए, ड्रिंक करे तो उसको एपिलेप्सी कभी भी किसी भी मां किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होगी, वो कामयाब नहीं होगा, ठीक है। पेट के बाद आपका तो जल्दी निकलता है, ठीक है, पूरी बॉडी मिली एकदम, पूरी बॉडी मिली, ढीला छोड़ दीजिए, आप मत कीजिए सर, मोड़िए, आपकी स्पाइन इतनी जबरदस्त सेट हुई है ना कि कल ही एकदम जबरदस्त सेट हो गई थी। एक्चुअली में क्या है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं है, ज्यादा है, पूरी भरी हुई है। जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन डी कम होती है ना, तो उसकी मसल्स भी वीक हो जाती हैं, बोन भी वीक हो जाती हैं, जोड़ भी वीक हो जाते हैं, उसको टाइम लगता है थोड़ा। परफेक्ट एकदम, राइट वाला पैर है ना जी, जी आप कुछ मत कीजिए, मैं कर दूंगा, आप बस इस पैर को मोड़ दीजिए ऐसे, ये कल की तरह क्या नाम था वो जो पहले इतने आपने वो जो पहले दिन बहुत परेशान थे, जो कल बोले थे कि मैं अभी 100% ठीक हूँ, 12-13 दिन में नहीं नहीं दूसरे जो काले काले थे, कल कल उनको जो ये वाली एक्सरसाइज दी थी बैठ के आगे मोड़ने वाली, खान साहब परवेज खान, परवेज जी, परवेज परवेज आएंगे ना अभी आज, ओह ओह
पैरा कीजिए पैसे पर अलग दोनों पैर मोड़ो ऊपर मोड़ के रखिए पास उठिए साहब एक बार उठ के झुकिए आराम से झुकिए जाए झुकाइए कमर को पूरे झुकिए पूरे लगाइए पैर नीचे सीधे हो जाओ पैर उठाओ दोनों और उठाओ दोनों दर्द जाओगे जोर से दर्द नहीं हुआ जोड़ मत बोलना नहीं जोड़ नहीं तो नीचे बैठो बैठो ऐसे चल के दिखाओ प्रॉपर आगे पीछे उठाओ पैरों को ऐसे उठाओ नहीं नहीं कोई कोई व्यक्ति 100 में से एक या दो या चार पांच ऐसे होते हैं इनके जैसे कि पहले दिन जब हम इनको ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं ना तो इनकी स्पाइन वर्टीब्रा एकदम ऐसे सेट हो जाते हैं कि इनको जरूरत ही नहीं पड़ती है कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं बहुत कम व्यक्ति होते हैं उन्हीं में से एक जीसस जी हैं जो बॉम्बे से हमारे पास आए हुए हैं तो दर्द ये बता रहे हैं अभी कैसा दर्द है आप इनको बताइए अभी दर्द मुझे बिल्कुल जोर से बोलिए ना दर्द मुझे बिल्कुल कम है और आपका आपको प्रॉब्लम कब से जो प्रॉब्लम 8 महीने से 8 महीने से 8 महीने से कहाँ कहाँ दिखाया आपने सिर्फ एक दो दो जगह दिखाया उन्होंने बोला फिजियोथेरेपी पर मैंने कभी कराया नहीं बोला ठीक है तो अभी ये परफेक्ट है वैसे हमने इनको 15 सेटिंग बोली थी तो देखो 15 सेटिंग की जरूरत ना पड़े उससे पहले इनको घर भेज दें तो स्पाइन से रिलेटेड अगर आपको बीमारी है और कहीं भी कोई डिस्क है कोई गैप कम हो गया है ज्यादा हो गया है आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दिया गया तो पहले सोच लें कि भाई सर्जरी करानी कि नहीं करानी लेकिन इधर जरूर आए कराने से पहले क्या पता आपको जरूरत ही नहीं और जरूरत पड़नी ही नहीं वाली है ठीक है नमस्कार